नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी का सपना है कि हर घर तक पानी पहुंचना है और सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना लक्ष्य है और 2024 तक सभी घरों को पानी पहुंचाना लक्ष्य रखा गया है। इस समय आदरणीय जो मोदी जी का सपना है, आदरणीय योगी जी का जो सपना है कि प्रत्येक घर को पानी देना है, 2024 तक सभी घरों को पानी मिल जाए, स्वच्छ नल से पानी मिल जाए और शुद्ध पानी मिल जाए, क्योंकि पानी यदि शुद्ध मिलेगा तो उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, वह स्वस्थ रहेंगे। और 70 सालों बाद कोई सपना देखा है तो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि सभी के घरों में, देश के और उत्तर प्रदेश के सभी घरों में स्वच्छ पानी। मैं सोचता हूँ अयोध्या थोड़ा और जल्दी हो जाए, इसलिए आज बैठक लेने आया था। टेल तक पानी पहुँच जाए और सभी तालाब 15 मई तक यहाँ के जो अपने सिंचाई विभाग द्वारा और ट्यूबवेल द्वारा जो पानी भरे जाते हैं तालाब को, वो 15 मई तक सभी तालाब भर दिए जाएं, कम से पशु पक्षी जानवर भी पानी पी सकें इस गर्मी में। फरुखाबाद में अखिलेश यादव के बयान पर शिवपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने गैर जिम्मेदाराना और नादानी भरा बयान दिया है। वो मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पहले विधानमंडल दल से निकाले। हम आजम भाई के साथ हैं, जब वो जेल से आएंगे तब मोर्चा बनाएंगे। देखिए, इस पर तो मैं बोल चुका हूँ, जो उन्होंने बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना और नादानी का बयान दिया है, अगर वो बीजेपी मुझे भेजना चाहते हैं तो बहुत शीघ्र वो हमें पहले समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दे। देखिए, बहुत जल्दी जैसे ही उचित समय आएगा तो हम। मऊ में मुख्तार अंसारी के एक करीबी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस प्रशासन ने करीब 2,50,00,000 की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली। ये कार्रवाई मुख्तार अंसारी के करीबी आनंद यादव और उनकी पत्नी मीरा पर हुई। इन दोनों के नाम पर दर्ज जमीन को कुर्क कर लिया गया। ये गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदय मऊ के आदेश दिनांक 28/4/22 के तहत आराजी संख्या 2171/168 कड़ी, जिसका बाजारों मूल्य करीब 2.5 करोड़ है। ये गैंगस्टर के मुकदमा अपराध संख्या 18 में मुल्यम है। इन्हीं के साथ मुख्तार अंसारी भी मुल्यम है, जो पूर्व विधायक यहाँ के रहे हैं जी। इनके द्वारा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदी गई थी, पुलिस की रिपोर्ट पर माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियमानुसार इसको कुर्क किया गया है। ये संपत्ति आनंद यादव और उनकी पत्नी मीरा यादव द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जब्त कर ली गई है और इस वक्त क्षेत्राधिकारी नगर और उप जिलाधिकारी सदर और सभी थानाध्यक्ष वगैरह उपस्थित। किसके सहयोगी थे सर ये? मुख्तार गैंग के IS-191 गैंग के मुख्य सहयोगी थे। बदायूं में सपा विधायक आशुतोष मौर्य की दबंगई देखने को मिली है। सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने एक कर्मचारी को जमकर पीटा। दरअसल विधायक अपने कुछ साथियों के साथ बिजली घर पहुंचा था और बिसौली क्षेत्र में बिजली घर में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान बिजली घर में कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की गई। अभद्रता, मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अब वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया गया है और मामले में केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जनपद बदायूं के थाना बिसौली थाना क्षेत्र के 33/11 विद्युत उपकेंद्र टाउन के SS श्री अभिषेक मिश्रा द्वारा थाने पर एक तहरीरी सूचना दी गई कि कल रात्रि लगभग 12:05 पर स्थानीय विधायक श्री आशुतोष मौर्य द्वारा बिजली घर पर आकर के और इनके साथ अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसको भी संज्ञान में लिया गया है। इस संबंध में थाना बिसौली पर
संभल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने और तेज आवाज बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज कम कराने का सिलसिला शुरू हुआ है। बता दें, इस अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने जिले के 100 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए और करीब 1550 लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम कराया। इस दौरान SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि धर्मगुरुओं से संवाद के बाद लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और ये अभियान जारी रहेगा। जनपद संभल में शासन के निर्देशानुसार धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित करके जो धार्मिक स्थल हैं उनसे लाउड स्पीकर उतरवाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अब तक 100 से ज़्यादा स्थानों पर लाउड स्पीकर उनके धर्मगुरुओं द्वारा स्वयं से अपनी स्वेच्छा से उतारे गए हैं। कुल 1550 के करीब लाउड स्पीकर की आवाज़ उनसे बात करके कम कराई गई है। इस तरह से यह अभियान आगे आने वाले समय में भी चलता रहेगा और इसमें लगातार पुलिस। मथुरा के नौहझील थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गुरुवार रात को गांव बुमारकपुर में शादी समारोह के दौरान दुल्हन की हत्या कर दी गई। बताया गया है कि एक तरफा प्यार में एक युवक ने दुल्हन को गोली मार दी है। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कहां के रहने वाले हो? मुबारकपुर का रहने वाला। क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरी बेटी की शादी जी, जयमाला पढ़ के मेरी बेटी घर गई जी, और घर गई कुर्सी पे बैठी कमरे में, एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसने मेरी बेटी के ये आँख के बगल में गोली मारी जी, और गोली मारते मेरी बेटी खत्म हो गई। मैं उसे लाया पकड़ के, तो पुलिस को सूचना दे दिया? पुलिस को सूचना दे दी। क्या कह रही है पुलिस इस मामले में? पुलिस घटना अधिकारी कार्रवाई करेंगे। आज प्रातः थाना नवजीत क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुबारकपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान काजल डॉटर ऑफ गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण करते हुए खबर गाजियाबाद से है, जहां महज 30 रुपए के लिए एक युवक की लोहे की रॉड और ईंट से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जबकि युवक का कसूर बस इतना था कि उसने 3 लोगों को शिकंजी दी थी और उसके पैसे मांग लिए थे, जिसके बाद तीनों युवक ने उसे बेरहमी से मार डाला। और जैसे ही इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को हुई, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि मृतक घर का अकेला कमाने वाला था और उसका एक 9 साल का बेटा था। बोलते उसको न्यू खो पर लड़ाई हुई थी, उन्होंने मार पिटाई बहुत ज़्यादा की हुई उनके साथ। हम हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ हमारा। बेटे आपका एक बेटा कितनी उम्र है? 9 साल का। आप किराए पर रहते हैं? अपना मकान है, किराए पर रहते हैं। कुछ कह रही है पुलिस ने? कुछ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक एप्लीकेशन भी लिखी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? मुझे ये चाहते हैं, मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरे पति था, मेरे बच्चा है। रात्रि में श्रीमती ज्योति ने थाना नंदगांव में यह कह रही थी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जंजीरा की दुकान लगाते हैं, उनके पास कॉफी जो कि रिक्शा चलाता है, तो अन्य व्यक्तियों के साथ आया। यूपी सहित सभी जिलों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान शांति बनी रहे, सड़कों पर नमाज अदा नहीं करने के फरमान का पूरी तरह से पालन किया गया। मस्जिदों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और RAF के जवान तैनात रहे। मस्जिद के अंदर नमाज अदा की गई है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। लखनऊ, आगरा, उन्नाव, श्रावस्ती, अयोध्या, रामपुर, सभी जगह से अलविदा की नमाज की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पे नियमों का पालन करते हुए आज अलविदा की नमाज अदा की गई।
देश भर में अलविदा की नमाज अदा की गई है। अलविदा की नमाज पवित्र महीने रमजान के आखिरी जुमे यानी आज पढ़ी गई। वहीं लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान लोगों ने देश में शांति और कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ मांगी। साथ ही कोर्ट के आदेश के अनुसार लाउड स्पीकर आवाज भी मानकों के अनुसार रखी गई और मस्जिदों और इबादतगाहों पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में इस बात की दुआएं थी कि हमारे मुल्क में पूरी तरीके से अमन शांति भाईचारा कम्युनल हारमनी कायम रहे और हम सब लोग मिल करके अपने इस अजीम शान मुल्क को तामीर तरक्की की राह पर आगे ले जाएं। और इस मौके पर यह भी एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के सिलसिले में 2017 में जजमेंट दिया था, उसी की रोशनी में तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान ने अपनी अपनी मस्जिदों में लाउड स्पीकर का डेसिबल सिर्फ उतना ही रखा जितना कि कानूनी तौर पर जितने की परमिशन है। और इसके लिए मैं तमाम मस्जिदों के जिम्मेदारान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। रमजान की आज आखिरी नमाज पढ़ी जा रही है जिसे अलविदा की नमाज कही जाती है। आपको बता दें कि 30 दिन के जो रमजान का समय होता है उसमें आखिरी जुमे की आज नमाज है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसबाग के ईदगाह में जहाँ मौलाना फिरंगी महल के द्वारा यहाँ तमाम लोगों को नमाज पढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आया था कि लाउड स्पीकर को उतारा जाए, साथ ही साथ ऐसे लाउड स्पीकर जो अन्य लोगों को दिक्कत होती है उसको कम किया जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर की जो आवाज है वो बेहद मध्यम रखी गई है। साथ ही साथ जो प्रांगण में आप देख सकते हैं कि तमाम नवाजी अलविदा की आखिरी नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम बंदोबस्त किया गया है जहां मेटल डिटेक्शन से लेकर तमाम वो सुविधाएं दी गई है जो देनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सु प्राइम टीवी लखनऊ। खबर औरैया से है जहां माहे रमजान के महीने में आखिरी अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान जिले का प्रशासन अलर्ट रहा। हाफिज अल्तमश चिश्ती ने बताया कि माहे रमजान के आखिरी अलविदा जुमे को नमाज अदा की गई और कहा कि माहे रमजान बड़ी बरकत वाला महीना है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग एक महीने रोजा रखकर अपने रब की इबादत करते हैं। नमाजियों ने देश में अमन चैन की दुआएं मांगी और जिले की सभी मस्जिदों में भारी संख्या में नमाजी इकट्ठा होकर नमाज अदा की। पैगाम देना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये रमज़ान मुबारक महीना बड़ा पवित्र और पाकीज़ा महीना है तो हमें इस महीने का एहतराम करना चाहिए। और चूँकि ये महीना हमारे दरमियान से बड़ी तेज़ी से रुखसत भी हो रहा है, आज तकरीबन 27 रोज़ होने वाले हैं, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, तो इस मुबारक महीने में गरीबों मिस्कीनों बेवाओं की मदद करें, उनकी खबरगीरी लें ताकि हम उनको भी अपनी ईद में शामिल कर लें ताकि वो भी खाने पीने से पहनने ओढ़ने से महरूम न रह जाएँ। बहुत अच्छा है चूँकि ये चूँकि हमारा महीना रमज़ान मुबारक का महीना है और इसमें यह आखिरी जुमा है जिसे जुमारतुल विदा अलविदा के नाम से याद करते हैं, तो इसमें शासन की तरफ से जो भी आदेश दिए गए हैं कि रोड पे या कहीं भी कोई ऐसी जगह जिसमें दूसरों को भी किसी को तकलीफ हो, रास्ते में गुजरने वालों को भी तकलीफ हो, तो ऐसी जगह नमाज नहीं अदा करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कमेटी की बैठक में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज 15 लोगों की शिकायतें सुनी जिसमें से ज्यादातर शिकायतों का निपटारा किया। वहीं 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं जिनकी जांच अभी बाकी है। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला एक्शन में नजर आए और कुराली गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने और धांधली के आरोप में तुरंत निलंबित कर दिया गया। सिद्धार्थनगर के कमहरिया गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग से घर जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक रात में जब सभी लोग सोए थे तभी आग ने अपना विकराल रूप लेकर एक घर को अपनी आगोश में ले लिया। वहीं ग्रामीणों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की लेकिन आग बुझाने में कामयाबी नहीं मिल सकी। लेखपाल और स्थानीय पुलिस पहुंचकर घटना का जायजा लिया, फिर भी पीड़ित परिवार को किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली।
ये हमारे मंडल का गांव है, यहाँ चौरसिया परिवार के तीन भाई रहते हैं और तीनों भाइयों का घर बुरी तरीके से जल गया, जिसमें दो भैंस मर गई हैं, एक भैंस बड़ी बुरी तरीके से जख्मी है, एक परिवार की औरत जख्मी है जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, शासन प्रशासन से हम लोग आग्रह किए हैं, तहसील प्रशासन से लेखपाल कानूनगो आए हैं और पुलिस प्रशासन से आई है, हम लोग देख करके इनका जहाँ तक है तो सहायता होगा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। और इसमें जो है हमारे लेखपाल और तहसीलदार साहब भी मौके पे गए थे और काफ़ी बड़ी घटना हो गई है अचानक, जिस जो भी वजह रहा हो, और जो महिला हैं उनका भी जो है काफ़ी जल गई है, उनका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। तो इसमें CBO के द्वारा जो मुख्य चिकित्सा पशु चिकित्सा अधिकारी है उनके द्वारा डिप्टी CBO है वो तो जाकर के मौके पे बना ली है रिपोर्ट अपनी और जो भी हमारे सहायता तक। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में आग लग गई, जहां आग लगने से लाखों रुपए के सामान और घर का सामान जलकर राख हो गया और सूचना के घंटों बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने के चलते एक और परिवार का घर उजड़ गया। जानकारी के मुताबिक दो हफ्ते बाद घर में बेटी की शादी होनी थी, आग लगने से शादी का सारा सामान भी जलकर राख हो गया, जिसकी वजह से परिवार के लोग काफी परेशान हैं। दुर्गा कहाँ के रहने वाली है? ना गई के भैया। कैसे आग लग गया आपके घर में? कोई घर नहीं रहा भैया, कोई नहीं घर भी आप फले रही है लड़की का गाना गीत हो रहा कुल पैसा रहा जर गए चावल गेहूँ दाल कुल वही में है भाई आया आप लोग देख ले रजाई तो तक गया सब चीज। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 89 में फ्लोर बिल्डिंग बनाते समय एक हादसा हो गया। तिगांव के भुपानी गांव के रहने वाले ठेकेदार की बिल्डिंग की छत से पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई। मृतक ठेकेदार विजय कुमार सरिया शेटरिंग का काम करता था। मृतक के साथ काम करने वाले लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। का नाम विजय सिंह है जी, 38-40 साल की उम्र है। कहाँ का रहने वाला था? गांव पुरानी भुपानी, बहुत गरीब आदमी है, एक छोटा ही बच्चा है उसका। तो उसकी जो व्यक्ति की मौत हुई है वो किस कारण को लेकर हुई है? मंजिल पे चढ़ा हुआ था जी, ये कोई बेल्ट का पता नहीं क्या हिसाब है, उससे इसका पाम खिसका या कोई ताकत नहीं थी ऊपर, उसकी वजह से सेफ्टी नहीं थी, उसके उस पर चित गिरा है। इसकी सिर की जो है सारा बेजू भी सारा निकल के बाहर गया, बहुत गंभीर चोट आई है। और यहाँ कम से कम 4 घंटा यहाँ पर हो गए हैं पुलिस से, मैं भी पुलिस का तो नाम लिखा लगा, हम भी आप पे केस है, मैं नाम लिखा तो पुलिस वाले भी धमका के पड़ रहे हैं सबको। ग्रुप में किसी ने व्यक्तिगत प्लाट लिया हुआ है, इसमें 4 फ्लोर बन रहे हैं और चौथे फ्लोर पे सरिये का काम चल रहा था और विजय नाम का आदमी सरिये का काम कर रहा है, कई दिन से लेबर का काम करता है, जब ज़रूरत होती है जब सरिये का काम का समय आता है तो उस वक्त तो काम करने आते हैं। इनका बेटा भी यहाँ काम कर रहा है, आज इनकी गिर के ऊपर चौथी मंजिल से पाँचवीं मंजिल के ऊपर वाले माले से गिर के मौत हो गई है। इस इन्फॉर्मेशन पर हम आए हैं, डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र की घुड़ियाबाग पुलिस चौकी के डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर मुकदमे से संबंधित सैकड़ों वाहन जल गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के अधिकारी दमकल की गाड़ियों के साथ पहुंचे। मौके पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार एक एक कर सभी कारों को बचाया और आग पर काबू पाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि आग लगने के कारणों की जांच करने के साथ नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। घुड़ियाबाग में कॉल आई थी हमारे पास कि वाहनों में आग लगी है, तो यहाँ के देखा 2 गाड़ी आई हमारी, एक छोटी गाड़ी 2 बड़ी गाड़ी, तो पूरी तरह से बुझा दी आग और धुआं उठ रहा है थोड़ा सा, तो कूलिंग और अभी चालू करेंगे। ये शायद पकड़ी हुई लग रही हैं गाड़ियाँ, पुलिस वाले बता पाएंगे किस तरह की गाड़ियाँ हैं। तकरीबन कितनी गाड़ियाँ होंगी? ये देखने से तो लग रहा है कि 100-150 गाड़ियां हैं, पर आग पूरा एक तरह से डंपिंग यार्ड है, गाड़ियों का डंपिंग यार्ड।
बदायूं में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और चेकिंग के दौरान दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से चोरी की 7 बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ से जब उन पर पता चला उनकी जो मोटरसाइकिल थी और इसके अलावा उनसे 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। चोरी की मोटरसाइकिलें, ये दिल्ली के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और उनके नंबर प्लेट और नंबर आदि बदल करके, उसको स्क्रैच करके यहाँ जनपद बदायूं में उसको बेच करके चलाने का काम करते थे। इन लोगों ने कायदे कानून बनने के बाद भी लोग शादियों में हर्ष फायरिंग को सोसाइटी सिंबल मान बैठे हैं। इसी कड़ी में मथुरा से एक शादी समारोह का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला रौबिले अंदाज में फायरिंग कर रही है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने महिला के खिलाफ FIR दर्ज की और साथ ही वीडियो में दिखने वाले लोगों की भी तलाश जारी है। के FIR पंजीकृत कर ली गई है। लोगों से मेरी यही अपील है कि खुशी के मौके पर इस तरह की कोई हरकत ना करें, जिससे वो कानूनी उसमें फंसें। सब लोगों से यही अपील की जाती है कि सब चीज़ें जो जिसके लिए है उसी के लिए। एडीजी 112 अशोक कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में गाजीपुर जिले में 4 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होना है। ये जागरूकता अभियान मोहिनी पाठक अपर पुलिस अधीक्षक लखनऊ के निर्देशन में चलाया जा रहा है। पहले दिन अभियान की शुरुआत गाजीपुर के मिश्र बाजार से हुई, जहां पर नुक्कड़ नाटक, LED वैन और जनसभा कर नागरिकों को जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि केवल झगड़े और मारपीट में ही नहीं, बल्कि किसी भी आपात स्थिति जैसे आग लगने, प्राकृतिक आपदा, मेडिकल इमरजेंसी में भी आप 112 नंबर डायल करके मदद कर सकते हैं। हम लोग 112 हेडक्वार्टर लखनऊ से आज यहाँ गाजीपुर में आए हैं और इसका उद्देश्य, श्रीमान ADG महोदय अशोक कुमार सिंह साहब की एक टीम बनी है, जिसमें एडिशनल SP महोदया मोहिनी पाठक मैम के अंडर में ये 3 टीमें आई हैं, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और बनारस। तो आज हम लोग को गाजीपुर में मौका मिला है ये अवेयरनेस फैलाने का कि 112 कैसे काम करती है, क्या क्या सहूलियतें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार से सकारात्मक चर्चा पर फैसला करने की मांग की है। बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न करने की अपील करते हुए विचार विमर्श कर इस पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है। सरकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है तो सरकार को चाहिए कि वो तमाम मजहबी ग्रुपों से और उनके धर्म गुरुओं से मिलकर अपने ड्राफ्ट के साथ एक आम राय बनाए, जिससे हिंदुस्तान के अंदर इसको लागू किया जा सके। लेकिन सरकार का काम जो होता है वो धार्मिक मसलों को आम राय से हल करने का होता है, ना कि उन मसलों में पेचीदगियां पैदा करना होता है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेगा और उनसे ये गुजारिश करेगा कि वो इसमें तमाम धर्मगुरुओं को शामिल करें और ड्राफ्ट। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस।